उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सपा नेता पर एक युवती ने शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। युवती ने एक वीडियो को बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल किया है, जबकि इस बारे में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मुकदमा पहले से ही दर्ज है, लेकिन ये वीडियो कब का है इसका कुछ पता नहीं है, इसकी जांच कराई जाएगी। बता दें कि गजरौला कस्बे की रहने वाली एक युवती जो हिंदू समाज से संबंध रखती है, उसने गजरौला के रहने वाले समाजवादी पार्टी के युवा नेता जाफर मलिक, जो एक निजी अस्पताल के संचालक भी हैं, उसके ऊपर प्यार के झांसे में फांस कर 2 साल तक शारीरिक संबंध बनाने और धोखा देने का आरोप लगाया है और इस पूरे मामले में वीडियो वायरल करके सुसाइड करने की धमकी दी है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस वीडियो के आधार पर जब हमने समाजवादी पार्टी के युवा नेता जफर मलिक से बात की तो वे अपना पक्ष रखते हुए इन आरोपों को उन्होंने बेबुनियाद बताया। इन्होंने कहा कि सब उनकी छवि को धूमिल करने की साजिश है, जबकि इस पूरे मामले में वीडियो बनाकर वायरल करने वाली युवती का कहना है कि न्याय नहीं मिलने पर वो सुसाइड कर लेगी, इसलिए उसे न्याय चाहिए। युवती के मुताबिक अगर उसने सुसाइड किया तो उसका जिम्मेदार सपा नेता जाफर मलिक और उसकी दूसरी प्रेमिका व उसके परिवार वाले होंगे। बता दें कि इस मामले में पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वायरल वीडियो कब का है इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इस युवती के द्वारा 17 मार्च 2020 को मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है और वैधानिक कार्यवाही की गई है। इस वायरल वीडियो की भी जांच कराई जाएगी। लव जिहाद का ये मामला फिलहाल इस युवती के वायरल वीडियो से सुर्खियों में आया है। अब ये वीडियो किस समय का है इसको लेकर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि इसकी पुष्टि पुलिस की जांच के बाद ही हो पाएगी। अमरोहा से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जाफर मलिक है। जाफर जी, ये जो लड़की का वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, क्या मामला? ये मेरे पर कई दिन से जो है फ़ोन कर रही, उल्टी सीधी धमकी दे रही थी कि मैं जो है मुझे जो है पैसे चाहिए 5 लाख रुपए। मैंने कहा मेरे पास नहीं है अभी, मैं किस चीज़ लिए, मैं मेरे से क्यों पैसे मांग रही थी। कह रही तुम लोगों ने वो केस पहले इसने जब केस लिया ख़त्म करा तो उस टाइम पैसे दिए थे मैंने। अच्छा, ये वीडियो कब का है? वीडियो पुराना है ये मुझे धमकी देती है कि मैं वायरल कर दूँगी, ये कर दूँगी। अच्छा, युक्ति ने इसमें आपके ऊपर बोले शारीरिक संबंध को लगाया है, बोले शादी का झांसा देकर 2 सालों में जो रखा, तो इस मामले पे क्या कार्रवाई हुई थी? इसमें इन्होंने जो मेरे पर मुकदमा दर्ज करवाया था 376 का सेक्ट में दर्ज हुआ था मेरे पे 17 मार्च को, उसके बाद जो है ये खुद जाके अगले दिन ADG साहब के यहाँ जाके प्रशासन के खिलाफ कह के आई थी कि मुझे जो है पुलिस ने बंधक बना के रखा, मुझे मुकदमा जबरदस्ती दर्ज करवाया था मेरे से, ये है वो है। फिर इसने जो है कोर्ट में दिया था, ये एफिडेविट दिया था इसने, और फिर ये जो है कोर्ट में जो है वो दे के आई थी, यानी कि मैं एफिडेविट दिया था। फिर उसके बाद मेरी जमानत हुई थी, जमानत हो गई थी मेरी हाई कोर्ट से, और उसके बाद ये जो है ये खुद फैसला नामा दे के आई खुद वहाँ, और ये वीडियो है इसमें मेरे मोबाइल में, मैं आपको दे दूंगा। उसमें ये खुद कह रही है कि मेरा कोई संबंध नहीं, जाफर मलिक बहुत अच्छे इंसान है, कहो तो आपको सारी चीज़ें मैं आपको दे दूंगा। तो मेरे पे मेरी जो है छवि को ख़राब करने का की साजिश है सारी, हाँ मेरी छवि ख़राब करना चाह रहे हैं। पहले भी बताई छवि ख़राब कर दी थी उल्टे सीधे आरोप लगा के, लेकिन क्या है ये 376 का मुकदमा है, लेकिन क्या नाम जो है अब जब खुद लगा रही खुद कह रही है तो अब आप खुद देख लो, उसके सारे कागज देख लो, कोर्ट में दिखवा लो, कहीं भी तो दिखवा लो। ये मामला जो इसमें आपका फैसला हो चुका, हाँ फैसला हो गया, ये रहा कोर्ट में भी लगा हुआ फैसला, कोर्ट में खुद जज साहब के सामने दे के आइए, झूठे आरोप है मेरे ऊपर लगाए गए। मैं राधिका जाफर मलिक से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है, 2 साल से वो मेरे साथ था और मैं उसके साथ रहती थी और मुझसे झूठ बोलता था कि कल शादी करूँगा, परसों करूँगा शादी, और रोज डेली झूठ बोलता था मुझसे, कोर्ट मैरिज करना है, और मैं कहती थी कोर्ट मैरिज करो तो वो बोलता था कि कोर्ट बंद है, ये बंद है, उसकी फैमिली वाले भी सब बोलते थे। मुझे पता चला कि लड़की दीपशिखा काफ़ी अजीब है, वो उसकी संपत्ति की वजह से उसके घर रहता है और मुझसे झूठ बोलता है कि मैं उसके साथ नहीं रहता हूँ, ये है वो है, और मुझसे झूठ बोलता है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ और मैंने सबसे कही रिश्तेदारों से कि मेरी इससे शादी कराओ,
कोई मेरे सुनने के लिए तैयार नहीं है और मैं सुसाइड कर रही हूँ। उसके जिम्मेदार दीपसिका, जाफर मलिक, उसके चाचा, उसके बाबा, उसकी मम्मी, उसकी बहन, बहनोई सभी होंगे, क्योंकि मुझे उसने बहुत परेशान करा है। और जो दीपसिका है कड़की, उसके साथ रहता है वो, ये मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं सुसाइड कर लूँगी। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। दीपसिका के साथ रहता है वो, उसने मेरे प्यार की बिल्कुल भी कदर नहीं करी और ये बोलता था कि शादी करूँगा मैं तुझसे और तुझे चुनाव में खड़ा करूँगा, ये बोल के झूठे दिलासे दे देकर वो जल्दी ऐसे बोलता था। उसने मुझसे कोई प्यार नहीं करा, उसने मेरे साथ में ढोंग रचाया, उसने मेरे साथ संबंध बनाए, बस मेरे साथ सोता था, मेरे साथ खाता था और मुझसे झूठ बोलता है कि कल कोर्ट मैरिज करूँगा, परसों कोर्ट मैरिज करूँगा। उसने गढ़ की दीपसिका के साथ कोर्ट मैरिज कर रखा है और उसी के पास रहता है वो। मेरी सुसाइड के जिम्मेदार उसके घर के होंगे, उसकी फैमिली के होंगे। ये जो वीडियो वायरल हुआ है, इस संबंध में 17 मार्च 2020 को थाना गजरौला पर अपराध संख्या 143/20, धारा 376, 504, 506 तथा 325 SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें अभियुक्त जाफिर मलिक था, जिसके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। इस समय ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है। ये जो वीडियो वायरल है, ये उसी दौरान का है या बाद का है, इस संबंध में कोई जानकारी अभी नहीं हुई है, जाँच की जा रही है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.